सो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम मेरे साथ एक ये पैकेज, ये है फिर से रैप एंड राइट की तरफ से, आप देख सकते हैं। और इनके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है इनके रैप के ऊपर, तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन होगा, आई बटन में भी आ रहा होगा, तो आप जाके देख सकते हैं। तो ये रैप आया है मेरी स्कूटी जो है एंटॉर्क BS6 रेस एडिशन के लिए, BS4 रेस एडिशन के लिए। तो वैसे तो मैं यहाँ से ओपन करके थोड़ा सा देख चुका हूँ कि क्या क्वालिटी होने वाली है रैप की, एंड आई एम श्योर आप सबको लोगों को भी देखने में अच्छा लगेगा, और मेरे को तो वैसे ही अच्छा लगने लग गया काफ़ी ज़्यादा। सो लेट मी ओपन दिस अगेन, ये रहा, एंड काफ़ी अच्छी पैकिंग है, ये ऊपर का कार्डबोर्ड काफ़ी हार्ड है। और थैंक यू रैप एंड राइट टीम फॉर गिविंग मी दिस स्मॉल गिफ्ट। ये है एंटॉक का जो स्क्रीन है आगे की, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, उसका स्क्रीन गार्ड। तो ये 300 रुपये का ऐसा अलग से आता है, बट तो चलते हैं मेन रैप के ऊपर। मेन रैप ये रहा, एंड आई होप यू कैन सी दिस अ लिटिल बिट। ये है मार्वल वेनम रैप, रैप एंड राइट की तरफ से एंटॉर्क के लिए जो आता है, एंड ये मैंने करवाया स्पेशली 3M प्रीमियम मैट स्कीम में। चलो ये आपको दिखाता हूँ मैं, पहले थोड़ा बहुत एक एक करके मैं इसको उतारता हूँ। सबसे ऊपर वाली लेयर हटाते हैं पहले। ओके, तो ये सबसे बड़ा पार्टी है। सबसे पहले ये आ गया बाहर, इसको साइड में रख दो, अभी दिखाता हूँ ये वाला आपको हिस्सा। पहले छोटे छोटे पार्ट्स चालू कर लेते हैं, एंड इसके अंदर क्या है। ओ भाई, कितने सारे पीस है इसके, मेरे को तो घबराहट हो रही है, मैं घर पे कैसे लगाऊंगा ये देखकर। ओके, सो पहले इससे चालू कर लेते हैं हम, बहुत सारे पीसेस हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार मैं कैमरा एंगल चेंज करता हूँ एक बार ही पहले मैं ना, फिर आपको अच्छे से दिखाता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेनम एंटॉर्क लिमिटेड एडिशन, एंड ये पूरी मैट स्कीम में है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लगने वाला है। एंड इस साइड आप देख सकते हैं थोड़ी अपोलो वगैरह की ब्रांडिंग दे रखी है। पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, तो थोड़ी आप यहाँ पे स्किन देख सकते हैं, ये रही, और गिर गई, ये चीज़ ख़राब ना है, बहुत महंगी है स्किन ये वाली प्रीमियम में, तो ऐसे करना पड़ेगा सीधा। तो यहाँ पे कार्नेज आप देख सकते हैं, जो वेनम का एक तरीके से एनिमी है, और नीचे भी मार्वल वगैरह के लोगो बने हुए सारे। सो दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली ऑसम। सो यहाँ को थोड़ा रैप अप करता हूँ मैं, और सीधा चलते हैं नीचे अपनी एंटॉक पे इस रैप को लगाने के लिए। सो लेट्स गेट गोइंग। सो हम नीचे आ चुके हैं, और मैंने अपनी स्कूटी धो दी है पूरी अच्छे से। तो छोटी सी टिप मेरी यही रहेगी कि आप कभी भी ऐसा रैप वैप कुछ कर रहे होते हैं खुद घर पे, या फिर कहीं से भी करवा रहे होते हैं, तो एक बार स्कूटी या बाइक जो भी है, गाड़ी स्कूटी या बाइक, एक बार अच्छे से साफ कर ले। अब पहले भी स्कूटी सूखने देते हैं, अभी काफ़ी गीली है, कपड़ा मारता हूँ मैं एक सूखा इस पर, फिर चालू करेंगे अपना हम रैप लगाना। और काफ़ी नॉइज़ आ रही होगी अभी बैकग्राउंड के लिए शायद, तो आ रही है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो सुखा लेते हैं पहले स्कूटी को, और फिर रैप लगाना चालू करते हैं। तो फर्स्ट चालू करते हैं हम यहाँ से, इस ये एरिया जो है दोनों स्कूटी का, एंड इस एरिया के लिए आता है, इन्होंने दिया है ये पार्ट, इस पर छोटा सा वेनम आप देख सकते लिखा हुआ है। तो ये है राइट साइड का, तो राइट साइड का लगाने के लिए पहले हमें शीशा हटाना पड़ेगा। कर लेना अच्छे से, कोई भी डस्ट नहीं होनी चाहिए, माइक्रोफाइबर क्लॉथ है ये, अच्छे से साफ होना चाहिए एकदम जगह जहाँ पे आप लगा रहे हैं। और हेयर ड्रायर का ऑब्वियसली इस्तेमाल होएगा ही, बिना हेयर ड्रायर का कोई रैप लग नहीं सकता। का रैप लगवाने के लिए यहाँ का मैंने लगा दिया था, बट जब मैं आगे का काम कर रहा था तो मेरे घर की लाइट चली गई थी, 2 घंटे से लाइट नहीं आई थी, और मेरे को आज का रैप पूरा करवाना था। तो मैं बाहर आया हूँ रियली शॉप पे, कृष्णा सीट पॉइंट नाम से जगह है, एड्रेस आप देख सकते हैं साथ में। तो भैया काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, अभी अंदर स्कूटी का होएगा, गाड़ी का सॉरी,
अरे भाई नकली केटीएम, सॉरी ऐसा केटीएम मोरर मैं बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं आया हूँ, अभी काम करवाते हैं, अभी धीरे धीरे पूरा का पूरा दिखाता हूँ आपको कि कैसा लगेगा। और ये सारा हमें हटाना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, बट कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ऐसी लुक भी बहुत अच्छी है, ज़रूरी नहीं होता कि करवाना करवाना है, कैसी लुक आती है लेट्स सी कितना बढ़िया लगता है कराने के बाद पूरा काम। तो एक साइड पूरी हो चुकी है, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और काफ़ी ज़्यादा मतलब मज़ा आ गया, क्या कहते हो, मौज कर दी वाला सीन हो गया यहाँ पे। तो लेफ्ट साइड का भी ऐसे ही होएगा सेम, अभी राइट साइड कंप्लीट हुई है, मैं आपको शूट नहीं करूँगा। तो चलिए अब घर चल के मिलते हैं, घर जा तो अच्छे से दिखाता हूँ लाइटिंग में। तो फाइनली मैं घर आ चुका हूँ, एंड एज यू कैन सी हमारे साथ कंप्लीटेड खड़ी है अभी स्कूटी एंट्रो 125 जो मेरी है, BS4 रेस एडिशन, एंड दिस लुक्स टर्निंग लाइक इतना अच्छा रैप मेरे को कभी नहीं लगा कोई भी। मैंने काफ़ी स्कूटी के लिए रैप्स देखे थे, करोल बाग जाके भी देखे, बट इतना बढ़िया रैप, इतनी अच्छी क्वालिटी में रैप मेरे को नहीं मिला, टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट। यहाँ से आप देख सकते हैं हल्का सा भी ख़राब हो रहा है, बट ये इसका मैटर नहीं करता क्योंकि इसके ऊपर नंबर प्लेट लगनी है, तो फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर प्लेट से पूरा कवर हो जाएगी पूरी आँखें, बट फ्रॉम द साइड यू कैन डेफिनेटली सी यू नो कितना मेहनत लगी है जिस बंदे ने लगाया है उसको लगाने में। और रैप एंड राइड हैट्स ऑफ अगेन, बहुत बढ़िया काम किया है। मैं पहले बता दूँ ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने अपने पैसों से खरीदा है। सो यहीं पे मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग, आई से लाइक बट इफ यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस थ्रॉटल रिपोर्ट साइनिंग आउट एंड लास्ट यूनिवर्समेंट। और इसके सिनेमैटिक्स मैं अपने यूट्यूब शॉर्ट्स में डालूंगा, तो जिस चीज़ को अच्छे से अच्छे सिनेमैटिक्स देखने का मन कर रहा होगा तो वो शॉर्ट्स में जाकर देख सकता है, और उस शॉर्ट का जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अगर आपको अच्छे से सिनेमैटिक्स देखने हैं तो उसमें आपको मिलेगा और बढ़िया बढ़िया एकदम मिलेंगे। तो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ वीडियो, बहुत बढ़िया रैप लगा, जिसको परचेज़ करना है उनका नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो कांटेक्ट कर सकते हैं उनको अपने हिसाब से, और अपनी बाइक का कस्टमाइज रैप बनवा सकते हैं सेम टू सेम ऐसा, या फिर जैसा आपका मन करे वैसा कस्टमाइज बनवा सकते हैं वो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, सी यू, सैव, नारा, टाटा, बाय बाय।